टू पॉइंट फॉर्म क्या होता है, जैसे माना आपके पास एक लाइन है, अगर आपको एंगल नहीं गिवन है, आपको माना इस लाइन पर एक पॉइंट एक्स वन वाई वन गिवन है, दूसरा पॉइंट बी एक्स टू वाई टू गिवन है, देन स्लोप इज गिवन बाई वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. दिस इज अ फॉर्मूला व्हेन पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन. नोट हो गया? अच्छा, उसके बाद आता है इफ टू लाइन्स, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला था उस दिन दोबारा बताऊंगा, यहां से बोला था मैंने बात, मुझे याद रहता है. इफ टू लाइन, हाँ कोई बात नहीं, पांच मिनट लगे, खत्म करता हूं, आगे बढ़ता हूं. एम वन एंड एम टू, टू लाइन्स विद स्लोप एम वन एंड एम टू, देन कंडीशन वन, लाइन्स आर पैरेलल इफ देयर स्लोप इक्वल. देखो यार, दो लाइन है इस तरह से, ये पैरेलल है, तो इनके एंगल इक्वल होंगे ना, ये तो इनके स्लोप भी इक्वल हो जाएंगे. अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे. सेकंड कंडीशन, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, उस केस में एम वन इंटू एम टू होगा माइनस वन. ये कंडीशन स्लोप की इंपॉर्टेंट थी दोनों. यहां तक मैंने बताया था उस दिन, ठीक है ना? ओके. अब आता सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन. यहीं से आपका एग्जाम में आने वाली चीजें, इक्वेशन ऑफ लाइन. देखो यार, मैंने उस दिन डिस्कस किया था, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन, इट इज द एड्रेस ऑफ ऑल पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन. मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, 3x प्लस 4y इज इक्वल 14. तो बताओ क्या 1,1 इस पर लाई करेगा? आप 1 और 1 x की जगह 1 और y की जगह 1 रखोगे, अगर ये सेटिस्फाई करता है इट विल लाई, अदरवाइज नॉट. क्या 2,2 लाई करेगा? इसका मतलब जब भी हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इट इज सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन. लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है पॉइंट क्या रखते हो. इट कुड बी फ्रैक्शनल, इट कुड बी इरेशनल, सॉरी रैशनल वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो अब इक्वेशन लाइन निकलती कैसे? टू कैलकुलेट इक्वेशन लाइन देर आर 8 मेथड्स, ठीक है? इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू हैव, आपके पास क्या कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है. तो फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अगर कोई लाइन x के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन की कंडीशन क्या होगी? अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेन्स x, y एंड सम वेरिएबल, सॉरी x एंड y एंड सम कॉन्स्टेंट, नॉट वेरिएबल. x और y वेरिएबल होते हैं, कॉन्स्टेंट. जैसे हम लिखते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल 0, 4x माइनस y इज इक्वल 7, x इज इक्वल 5, 2y इज इक्वल प्लस 3 इज इक्वल 0. ये सब इक्वेशन ऑफ लाइन को डिपेंड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? मतलब अगर हम बात कर रहे हैं इक्वेशन लाइन, तो उसमें x, y होना चाहिए, या x होना चाहिए या y होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, ठीक है? अगर कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है तो उसमें ये कंडीशन बनती है. तो जैसे पहली कंडीशन, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, जैसे आपके पास ये एक x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, देन अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर ये पैरेलल तो डिस्टेंस इक्वल होगी इसकी x से हर जगह. तो इस इक्वेशन इज गिवन बाई y इज इक्वल a. आपको ध्यान क्या रखना है, x के पैरेलल लाइन में x नहीं होगा, y होगा. जैसे ये क्वेश्चन है, ये लाइन किसको शो करती है? अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, जिसमें y हो x ना हो, वो लाइन पैरेलल है x के. अच्छा, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ये आया हुआ है क्वेश्चन. इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होती है x बराबर y बराबर 0, ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है, ठीक है? अगर y बराबर 0 मतलब वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, y बराबर 2 है तो मतलब x से 2 ऊपर, y बराबर माइनस 2 मतलब y x से 2 नीचे, एक लाइन होगी. अगर खाली y है तो वो x के पैरेलल लाइन है. नोट हो गया ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है.
मैंने यहां तक बताया था शायद ना, सब करूं। अच्छा सेकंड कंडीशन, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, लेट दिस डिस्टेंस इज ए, तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल ए, वेयर ए इज एनी वेरिएबल, एनी कांस्टेंट, वन टू माइनस कुछ भी हो सकता है। अच्छा एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस ये होती है एक्स इज इक्वल जीरो, वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा हमेशा, हो गया। क्या पढ़ूं? अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है सेकंड थर्ड कंडीशन, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा अब वाई इंटरसेप्ट, पहली बात तो इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट इज द लेंथ कट बाई अ लाइन ऑन एक्सिस, जैसे ये लाइन यहां पर मान लेते हैं टू का इंटरसेप्ट कट कर रही है इधर थ्री का, तो दीज आर नोन एज इंटरसेप्ट, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये थ्री क्या है एक्स पर कटा हुआ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ लाइन कट ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से कितनी दूरी पर कट किया थ्री पर, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया थ्री, और ये वाई इंटरसेप्ट हो गया, ये नीचे की तरफ है तो माइनस टू है। अच्छा वाई इंटरसेप्ट अगर आपको दिया हो, स्लोप दिया हो, लेट स्लोप है आपका लाइन का एम, और y इंटरसेप्ट हम डिनोट करते हैं c से, तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर ए लाइन, ठीक है, जहां पर c क्या डिनोट करता है y पे काटा हुआ इंटरसेप्ट अंत्यखंड, और m क्या डिनोट करता है उस लाइन का स्लोप। ओके अब मैं कुछ कंडीशन कुछ एग्जांपल समझा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही एक्सरसाइज है, ये कॉन्सेप्ट है, सी की वैल्यू डिपेंड करेगी ना कितना इंटरसेप्ट, जैसे अरे रुक जा भाई देख, ऐसे माना ये दो है और ये 45 डिग्री है, तो स्लोप एम हो गया कितना वन टेन 45, सी हो गया माइनस टू, इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल एम माइनस टू, सॉरी एक्स माइनस टू, बस एम और सी रखना होता है आपको इक्वेशन में, चीज चाहिए ये नोट हो गया। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते कितने लोग कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इक्वेशन y प्लस रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू, यस कितने लोग कहते हैं ए ऑप्शन, अच्छा कितने लोग कहते हैं डी, अच्छा बी और सी कोई कहता है बी, कितने लोग कहते हैं सी, सी कितने लोग कहते हैं, ओके आंसर इज सी। अब देखो कैसे होगा, ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आंसर बताओ क्या है, ए, ठीक है, थोड़ा लॉजिक समझना पड़ेगा आपको। देखो हमारे पास जो सर ध्यान देना, हमारे पास कंडीशन वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी होती है, अच्छा बताओ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इज इक्वल जीरो, बताओ इसमें ए क्या है, क्वाड्रेटिक है ना, मैं कॉन्सेप्ट को अलग ले जा रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए में ए क्या है, ना 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 बी है, आपको रटा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस, ये रटा है आपको,
क्वाड्रेटिक में आपने श्रीधराचार्य पढ़ा था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है। अरे बोलो, अगर मैं कहता हूं 3x² - 2x + 1 = 0, बताओ इसमें एक्स क्या, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, तो बताओ इसमें ए क्या है, बी ए है। इसमें बात कंडीशन इंपॉर्टेंट है ना, कि हमें मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। अगर मैं बोलूं श्रीधराचार्य लगाओ तो आप बोलोगे x = -b, तो -c, यहां पर b कितना है, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, लॉजिकल समझो ना चीजों को, कि ax² + bx, x के साथ b होता है, यहां पर b की जगह क्या है, c प्लस माइनस √b² c² - 4ab / 4b। अरे समझे, ये तो पढ़े थे अभी आप, 2a होता है, समझे। अब आओ इस पर, इस क्वेश्चन पर देखो, mx + c दिया हुआ है आपको। अब आपको करना क्या है, जो इक्वेशन दी इस फॉर्म में कन्वर्ट करो अच्छा अगर आपके पास इक्वेशन होती क्वाड्रेटिक ऐसे x² - 3x = 2, तो आप क्या करते, 2 को इधर लाते ना, तभी तो फॉर्म बनती। इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन के हिसाब से y सिंगल चाहिए, तो मैं y = -√3x + 2 करूंगा। ये 2 क्या शो करता है, y इंटरसेप्ट, और क्योंकि पॉजिटिव है इसका मतलब y पर नेगेटिव साइड होगा, सारे पॉजिटिव, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट, अरे समझ रहे मेरी बात, सबके y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। अच्छा उसके बाद देखो ये -√3 है, ये क्या होता है, m होता है, आपका m कितना हुआ -√3, और माइनस मतलब क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 से बड़ा हो जाता है, देखो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। अब कैसे हम जज करेंगे, देखो क्योंकि यहां पर ये कंफर्म हो गया कि एंगल मोर देन 90 होगा, अरे समझे भाई, तो ये देखो ये लेस देन 90 दिख रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये मोर देन 90 दिख रहा है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हो ये लेस देन 90 है, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट और बहुत काम की है, ये भी मोर देन 90 दिख रहा है, स्लोप मैंने क्या बताया था, अभी पढ़ाया था स्लोप, अपने से पढ़ा चुके, स्लोप को यूज करना है बहुत आगे, पूरा काम स्लोप पर चलना है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, अब ये दो ऑप्शन तो कट गए, अरे समझे, समझो बात। अब हम देखेंगे, देखो दो इंपॉर्टेंट चीजें, ये जो एंगल दिख रहा है आपको ए वाला एंगल कुछ 90 थोड़ा ही बड़ा है, और ये 90 ज्यादा बड़ा है, मैंने जानबूझकर थोड़ा झुकाया था इसको, ये ज्यादा बड़ा है, मतलब अच्छा इसमें से ये और ये एंगल बड़ा कौन सा होगा, बता सकता कोई, ये वाला बड़ा होगा। अब हम देखेंगे -√3 कौन सा एंगल होगा, 160 होगा या 120 होगा या 150 होगा, आपको ये देखना है बस, अब यही तो समझना होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री में सीखोगे आप। अगर m आपके पास -√3 आ गया, ये हो गया -cot 30, ये हो गया 10 120, आंसर हो गया d, ये 160 के अप्रोक्सीमेट है, ये 120 के, जो कम झुका है वो लेना पड़ेगा आपको, अरे समझे, इसका आंसर होगा d। डरो नहीं, मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं, समझ बात, अभी मैं यही चीज सीखनी है आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही सिखाना है, एरिया निकालना आएगा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आएगा, बस ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं एग्जाम में, और इक्वेशन बहुत ढंग से समझनी पड़ेगी आपको, समझे। अभी और एग्जाम्पल कराऊंगा, ये आता नहीं है एक बार में समझ में, किसको आगे एक बार में समझ में, एक दो बच्चों का आया, कोई बात नहीं, आएगा आएगा। हाँ जी, इंटरसेप्ट ना, वो अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। आपको अगर लाइन की इक्वेशन सर्च करनी तो आपको ये करना पड़ेगा, बहुत कंडीशंस होती हैं, बताऊंगा सब। अभी टॉपिक चल रहा है यार, अभी एक घंटा लगेगा कम से कम टॉपिक खत्म करने, मुझे बहुत चीजें हैं इसमें, अगर फॉर्मूले लिखवा दूंगा तुम भी कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज, मैं पूरा समझाऊंगा इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या, इस कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस क्या, क्या आता है क्वेश्चन, समझे। रब करूं इसको, एक क्वेश्चन और, सेम लॉजिक है, बस ये बताओ y + x + 1 = 0, ठीक है। अब बताना कौन सी इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा, ए, कोई आंसर नहीं है, रीजन है। हाँ अच्छा, मैं और बना रहा हूं, और बना देते कितने कर बातें हैं। हाँ लॉजिकल समझना पड़ेगा आपको, एकदम से क्वेश्चन देख के समझना है कौन सा डायग्राम हो सकता है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं अभी तक,
अरे बहुत चीजें हैं भाई, अब बताओ। अच्छा मैं और बनाता हूं, तो समझना पड़ेगा y बराबर माइनस एक्स माइनस वन। पहली कंडीशन है y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, तो y को सिंगल करो। यहां इसका एक शॉर्टकट एक तरीका और है, बताऊंगा आगे, पहले इस लॉजिक को समझो जो मैं पढ़ा रहा हूं। देखो m कितना है, माइनस वन, माइनस वन मतलब थीटा कितना होगा 135। देखो कोई भी 135 बना रहा है, लेकिन c नेगेटिव है, देख रहे हो, c को कंपेयर करो, c है माइनस वन, तो ये आंसर भी नहीं होगा, है ना। एंगल तो सही है लेकिन इसका वाई इंटरसेप्ट गलत है। अरे समझो कौन सा डायग्राम बनेगा इसका, हाँ इसमें तो कोई नहीं है, चलो इसमें कोई भी नहीं है इसका आंसर। हाँ इसका डायग्राम ऐसे बनेगा ये, समझे, क्योंकि देखो ये स्लोप तो 135 के आसपास हो गया। अच्छा अगर इस क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता था, देखो मैं डायग्राम चार बना रहा हूं, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी, वाई इंटरसेप्ट क्या है, एक्स स्लोप क्या है, ए ऑप्शन। हाँ अब बताओ, हाँ बी होगा। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, जो आपके वाई प्लस एक्स, वाई बराबर आपने क्या किया होगा, वाई इज इक्वल माइनस एक्स माइनस वन क्या होगा, इसका स्लोप है माइनस वन, गिव्स यू एंगल एज 135, और सी कितना है माइनस वन, तो सब में सी तो नीचे आ रहा है, बस एक बात ध्यान रखना क्योंकि स्लोप 135 है, इसका मतलब ये जो एंगल होंगे 135 तो ये कितना होगा 45, क्या ये 45 दिख रहा है। देखो मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ लो इस बात को, मैंने ये बोला ऐसे करके, ये एंगल और ये एंगल बराबर है क्या, नहीं दिख रहे ना, अगर ये एंगल, देखो जो मैं बात बता रहा हूं ये है, अगर ये 45 होगा तो ये भी 45 होना चाहिए, तो ये साइड बराबर होनी चाहिए, जबकि ये दिख रही है आपको बराबर क्या, नहीं है ना, यहां पे बराबर से दिख रही है, ये आंसर होगा इसका। यहां भी उल्टा है, देखो ये छोटी है ये बड़ी है, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है क्वेश्चन, ये आई बात समझ में, एंगल मैनेज करना। अच्छा अब एक चीज और लिख लो, ये नोट हो गया था ना, अगर आपके पास स्लोप ऑफ अ लाइन, ये कॉन्सेप्ट नोट कर लो, स्लोप ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल जीरो, इसका स्लोप निकालने का फॉर्म होता है माइनस एक्स कोफिशियंट अपॉन वाई कोफिशियंट। अगर आपको एक ही तरह सब कुछ दिया हुआ है तो इसका स्लोप होता है m बराबर माइनस ए बाई बी, इस स्लोप का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं क्वेश्चन कभी आपको देता हूं इस तरह का, y प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो स्लोप क्या होगा, माइनस वन अपॉन वन, माइनस वन, आपको उससे करने से अच्छा बच जाओगे यहां पर, अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है उससे स्लोप निकाल सकते हो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से। हो गया, कब करूं, अच्छा नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन, इंटरसेप्ट फॉर्म। इफ अ लाइन मेक्स ए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड बी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, देन इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल वन। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, बताओ 3x प्लस 2y इज इक्वल 12, बताओ इसका x इंटरसेप्ट क्या है, अच्छा y इंटरसेप्ट, अच्छा
अगर यहां पर 11 हो जाए, अब बताओ इसका एक्स इंटरसेप्ट। हाँ, आपको करना क्या होगा, अगर इंटरसेप्ट निकाल दो आप यहां पर 1 करो, इक्वल में 1 करो तो 11 से डिवाइड कर दो, यू गेट 3x बाई 11 प्लस 2y अपॉन 11 इज इक्वल 1। और इंटरसेप्ट में क्या होता है, ऊपर अकेला x होता है, यहां पर x के साथ क्या है 3, तो ये हो जाएगा x अपॉन 11 बटे 3 प्लस y अपॉन 11 बटे 2 इज इक्वल 1। अब कंपेयर कर लो, ये क्या हो गया x का इंटरसेप्ट, x पे जो लेंथ कट कर रहा है, और ये क्या हो गया y का इंटरसेप्ट। अरे समझे बात, अगर हम कहते हैं x 2x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल 0, अब ध्यान देना। अच्छा एक और चीज समझना पड़ेगा आपको, देखो ये साइड पॉजिटिव होती है x की, ये साइड y की पॉजिटिव होती है, ये साइड y की x की नेगेटिव होती है, और ये साइड y की नेगेटिव होती है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये नोट हो गया आप लोगों से, नोट कर लिए, मैं कहता हूं 3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल 0। अब आप बताओगे डायग्राम कौन सा होगा इसका, तुम लोग तो होशियार हो गए यार। देखो कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ x बाई ए वाई बाई बी इक्वल 1, है ना, ये स्लोप से भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं इंटरसेप्ट फॉर्म से, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म ज्यादा आसान है स्लोप से। देखो यार, अब आप क्या करोगे, पहले तो आप 3x प्लस वाई इज इक्वल माइनस 2 कर लो, फिर माइनस 2 से इधर मुझे 1 करना है तो माइनस 2 से डिवाइड कर लो, 3x बाई माइनस 2 प्लस वाई बाई माइनस 2 बराबर 1, हो गया x अपॉन माइनस 2 बाई 3 प्लस y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल 1। इसका मतलब x का इंटरसेप्ट नेगेटिव है, y का इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, कौन सा आंसर होगा c, क्योंकि ये नेगेटिव होता है ये भी नेगेटिव है, समझे। देखो यहां पर एक ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, इधर दोनों पॉजिटिव है, इधर दोनों नेगेटिव है, नहीं ये पॉजिटिव है, तो डिपेंड करता है x और y के, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव उसी हिसाब से पोजिशन चलेगी उसकी, तो ये जल्दी हो जाएगा आपको, स्लोप से ज्यादा अच्छा ये रहेगा, लेकिन आपको मैंने बताना दोनों चीज, ठीक है ना, इतना काम का है आपका, लेकिन कुछ कंडीशन मैं बताऊंगा, इतना आने आना है एग्जाम में, डायग्राम मैच कराना, एरिया वाला क्वेश्चन बहुत आता है। हो गया भाई, आगे बढ़े, गिरफ करूं। अच्छा फिफ्थ पार्ट आता है स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म, ये कम आएगा आपके एग्जाम के लेवल से नहीं है। अगर आपके पास एक लाइन है लाइक दिस, इसका स्लोप m दिया हुआ और इस पर एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, देन इज इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल m x माइनस x1, दिस इज इक्वेशन व्हेन वन पॉइंट एंड अ स्लोप इज गिवन, ठीक है भाई। एंड सिक्स फॉर्म, लास्ट फॉर्म बता देता हूं, वैसे दो और है लेकिन वो काम के लिए, टू पॉइंट फॉर्म। अगर आपको एक लाइन पर दो पॉइंट दिए, मान लेते हैं ये x1 y1 पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दिया है x2 y2, देन इस इक्वेशन गिवन बाई y माइनस y1 इज इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज x। देखो ये क्या है, ये स्लोप ही तो है, ये m की जगह लिख दिया मैंने, स्लोप का फॉर्मूला तो है ये, m का फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। अब आता है एप्लीकेशन, इनके फायदे क्या है, क्या क्या यूज होता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, एरिया फाउंड बाय ए लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो देखो इसके शॉर्टकट भी है, लॉजिक भी है। पहले देखो, मान लेते हैं एक लाइन है 3x प्लस वाई इज इक्वल 6, बोलेगा फाइंड द एरिया मेड बाय दिस लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको एरिया फॉर्म पूछेगा एक लाइन का x x और y x, तो आप करोगे क्या, देखो तरीका नंबर एक, 3x प्लस y इज इक्वल 6 को पहले इंटरसेप्ट फॉर्म बना लो, 3x बाई 6 प्लस y बाई 6 इज इक्वल 1, x बाई 2 प्लस y बाई 6 बराबर 1। अब x पर इंटरसेप्ट कितना है, ये 2 है, ये 6 है, ये क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, हमको यही तो एरिया पूछा है, और राइट एंगल ट्राइंगल एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, आंसर इज 6 यूनिट स्क्वायर यूनिट। अरे समझे भाई, और इसका एक शॉर्टकट होता है, फॉर्मूला होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, देन एरिया इज इक्वल सी स्क्वायर बाई 2 ए बी मॉड, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है।
ठीक है, अगर आपको इक्वेशन डायरेक्ट दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल जीरो, देन एरिया दिस लाइन विल मेक विद एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस वुड बी सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी. अगर नेगेटिव आएगा तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, आप उसको पॉजिटिव कर देंगे बाई पुटिंग मॉड. अच्छा सीट किसके फाइंड एरिया ऑफ लाइन एक्स प्लस वाई प्लस टू विद एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस. देखो ए का मान वन है, बी का मान वन है, सी का मान टू है, तो एरिया क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, सी स्क्वायर बाई टू ए बी, सी स्क्वायर फोर बाई टू, आंसर इज टू. समझे? अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो कोई बड़ी टेंशन मत लेना. एक्स प्लस वाई बराबर माइनस टू, एक्स बाई माइनस टू प्लस वाई बाई माइनस टू इज इक्वल वन, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, दोनों तरफ टू टू है ना, और ये एक ट्राइंगल बन गया, इसका एरिया क्या होगा, हाफ ए बी, तो हाफ टू इंटू टू, तब भी टू आ जाएगा. अगर आप भूल जाते हो फॉर्मूला ये, तो आपको ये याद रखना है बेसिक कॉन्सेप्ट, इंटरसेप्ट निकाल लेना एक्स और वाई के, बस. समझे भाई? आगे बढ़े. अच्छा लाइन कट बाय ए लाइन बिटवीन एक्सेस. अगर आपको एक लाइन दिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल जीरो, ये लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए, है ना. अब अगर ये ए है ये बी है, तो ये कोऑर्डिनेट होंगे जीरो कॉमा बी, ये कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होगी. और ऐसे भी कर सकते हो आप, ये बी है ये ए है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, दिस लाइन वुड बी ए. ठीक है, अब एक फॉर्मूला भी है लॉजिक भी है. अच्छा अगर हमारे पास ऐसे कोई लाइन दी हुई है, मान लेते एग्जाम्पल है एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल फोर, बोला वॉट इज द लेंथ कट बाई दिस लाइन ऑन एक्सेस, तो ये हो जाएगा एक्स बाई फोर प्लस वाई बाई टू इज इक्वल वन. ये दो का डायग्राम, ये फोर टू, ये कितना हो जाएगा, सोलह प्लस चार दो रूट पांच. और अगर आपको फॉर्मूला रट लेना, तो फॉर्मूला भी है इसका एक. अगर ऐसी कोई लाइन है तो डिस्टेंस होती है सी बाई ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड. माइनस फोर अपॉन टू इंटू टू और अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर. यार यहां पर टू सी होता है, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका. ठीक है भाई, अगर आपको फॉर्मूला रख पाते हो तो फॉर्मूला रख लेना, कॉन्सेप्ट बता चुका हूं. और ये क्वेश्चन आता है लेंथ कट बाय लाइन ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. अच्छा पैरेलल लाइंस, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप वुड बी इक्वल. अच्छा माना एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल जीरो, इसका स्लोप क्या होगा, बताया था अभी एक्स कोफिशियंट अपॉन वाई कोफिशियंट, तो एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर इज इक्वल जीरो, सिक्स एक्स प्लस फोर वाई माइनस सेवन इज इक्वल जीरो. क्या ये लाइन पैरेलल है बताओ? हाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जल्दी करना होता है. देखो यहां पर एक्स का कोफिशियंट कितना है, तीन, यहां पर वाई का कोफिशियंट दो, इसके दुगने हैं. देखो ये सिक्स एक्स है ये फोर वाई है, दुगना है. इसका स्लोप एम वन कितना होगा, थ्री बाई टू माइनस का. इसका स्लोप एम टू कितना होगा, माइनस का सिक्स बाई फोर या माइनस थ्री बाई टू. स्लोप बराबर है ना, तो दीज टू लाइन आर पैरेलल. तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, देयर कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड वाई, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू. समझे भाई? अगर दो लाइन पैरेलल है तो एक्स के कोफिशियंट बराबर होंगे. अच्छा इन केस में माना ये लाइन ये थी पहली वाली और ये सेकंड वाली ये थी, तो इसके बीच में इनकी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी ना, पैरेलल लाइंस हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सी वन डिफरेंस सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये आपके काम का है. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बस आपको ध्यान क्या रखना है, एक्स और वाई के कोफिशियंट इक्वल होने चाहिए. एप्लीकेशन कैसे इसको अप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला नोट हो गया. ये जो मैंने लिखा है डिफरेंस, मतलब बड़े से छोटा घटेगा,
मॉड इसलिए थी पॉजिटिव वैल्यू, डिस्टेंस पूछा तो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। हाँ मैं बता रहा हूं कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए तभी ax और by तभी बन पाएगा। अच्छा अगर कोफिशिएंट इक्वल ना हो तो क्या करेंगे, ये बात समझ में आई? कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं इक्वेशन है 3x plus 4y plus 3 is equal 0, 6x plus 8y minus 5 is equal 0, बोलेगा डिस्टेंस बिटवीन। अब आपको एक बात समझनी है, ये स्लोप m1 बराबर माइनस 3 बाई 4, m2 बराबर माइनस 6 बाई 8 या माइनस 3 बाई, जैसे आपको दिखाई क्या हो गया, पैरेलल हो गया ना। अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन होने करने देखो 3x plus 4y plus 3 बराबर 0, ये आपके इक्वल नहीं है, इक्वल बनाओ। कैसे बनेगा, दो से डिवाइड करके, 3x plus 4y minus 5 by 2 बराबर 0, समझे भाई? कुछ भी करके आपको ये बराबर करने पड़ेंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा। अब ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c1, ये हो गया c2, बाकी देखो a भी सेम है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज c1 डिफरेंस c2 अपॉन अंडर रूट, बताया था फॉर्मूला भी। अच्छा c1 है 3 माइनस माइनस 5 by 2, ध्यान रखना साइन का, यहां पर माइनस में है c2, अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया कितना 6 5 11, 11 बटे 10 आंसर। अरे समझे इन पैरेलल, और ये क्वेश्चन आता है पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, नोट करो जल्दी से। ये एक एग्जांपल बता दिया, अगर सेम होंगे तो आसान है, सेम नहीं है तो करना पड़ेगा। अच्छा ये तो हो गया पैरेलल लाइंस के बारे में, अब आता है ग्राफ के क्वेश्चंस। तो जरा एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं 3x plus 4y is equal 2 and x plus y is equal 5, बोलेगा फाइंड द एरिया इनक्लोज बाई लाइन 1 लाइन 2 एंड x एक्सिस। ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन प्री में और मेंस में कई बार आया है, जब दो लाइन हो और एक एक्सिस दिया हो, या ऐसा हो सकता है ये लाइन 1 लाइन 2 और y एक्सिस, दोनों की कंडीशन अलग अलग होंगी, ध्यान देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबने ये नोट कर लिया इक्वेशंस, अब मैं इसको करके दिखा रहा हूं, आप लोग ट्राई कर सकते हो क्या, कर सकते हो, पहले करके दिखाओ, लाइन 1 लाइन 2 एंड एक्स एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस करके दिखाओ, एरिया फॉर्म्ड बाई लाइन 1 लाइन 2 एंड एक्स एक्सिस, और एग्जाम में टफ क्वेश्चन आया था, फिगर बहुत टेढ़ी बन रही थी उसकी, करके दिखाओ। तो देखो दो तरीके हैं, एक आसान तरीका है एक लंबा तरीका, मैं आपको आसान बताता हूं। सबसे पहले करेंगे वो पॉइंट होंगे 18, -13, अरे समझे, अब ये पॉइंट कहां पर लाई कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब हमारा नीचे की तरफ, मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ यहां कट कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यू कुछ भी आए, एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि नीचे की तरफ होगा। अच्छा उसके बाद एक बहुत सिंपल बात समझना, मान लेते ऐसे कट कर रहे हैं, ठीक है, अगर मुझको ये कोऑर्डिनेट आ जाए, ये आ जाए, मेरा काम हो गया। फिर मैंने आपको थ्री पॉइंट एरिया बताया था फॉर्मूला निकालने का। अब सिंपल सी बात, अगर कोई लाइन एक्स पे कट कर रही है तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने का सिंपल तरीका, ये जो लाइन है पहली 3x plus 4y is equal 2, यहां पर y रख दो 0, क्योंकि x एक्सिस पर y 0 होता है, बताई थी इक्वेशन, तो यहां से अगर मैं y 0 करूं तो x कितना आ गया 2 by 3, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए 2 by 3 comma 0, अरे समझे। और दूसरी इक्वेशन में y 0 रख दो, x का मान आ गया 5, ये कोऑर्डिनेट हो गए 5 comma 0, और ये कोऑर्डिनेट हो गया 18, -13, समझ में आई बात, यही करना होता है। जो आपको दोनों इक्वेशन दिए उनको साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो, पॉइंट आ जाएगा। फिर अगर बोला है x एक्सिस, तो हर इक्वेशन में अलग अलग y 0 रख दो, समझे, अगर x एक्सिस बोला है तो y 0 रखेंगे, और अगर y एक्सिस बोलेगा तो क्या रखेंगे, करना वही पड़ेगा, पूरा प्रोसेस यही चलेगा, आपको ये कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। अच्छा अब आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए 2 by 3, 0, 5, 0 और 18, -13। अब आपको मैंने बताया था फॉर्मूला 2 by 3, 0, 5, 0, 18, -13, याद है कुछ, है ना, बस अब एरिया जाएगा। अच्छा इसका एरिया कैसे होता है, लास्ट क्लास जिस जिसने एब्सेंट होगा उसको नहीं समझ आएगा, 0 + -65, 0, समझे भाई, ये 0 हो गया इधर, माइनस ये 0, ये 0, और 13 × 2 - 26/3, ये हो गया हाफ, -65 + 26/3 कितना हो जाएगा, ये हाफ, 3 एलसीएम ले लो, माइनस
195 प्लस 26 बाई दिस, ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो जाएगा 9 और 8 टू 6, 169 बाई 6 आंसर, समझे? ये आया था, ऐसा ही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया था, बहुत टफ वैल्यू थी उसमें 2014 के मेंस या 3 के मेंस में आया था, याद आया कुछ क्वेश्चन इस तरह का? तो अगर आपको दो लाइन दिए हैं और एरिया पूछा हुआ है तो बहुत आसान तरीका होता है। कौन सा यूज, कौन सा कोऑर्डिनेट निकालने की, क्यों वो जीरो हो गया हमेशा की वाले, आपको निकालना तो पड़ेगा ना दोनों में, दोनों वाई को लिए, अगर एक्स एक्सेस बोला हुआ है और अगर वाई एक्सेस बोला तो एक्स जीरो रखोगे। हाँ नहीं नहीं आप एक बार समझो यार, ये एरिया नीचे की तरफ आ रहा है ना, नहीं यार जरूरी थोड़ी कि ये परपेंडिकुलर हो, जरूरी थोड़ी कि परपेंडिकुलर हो, तो मैंने डायग्राम रफ डायग्राम है ना। अरे यार ऐसे भी तो हो सकता है डायग्राम, तब हाँ नहीं तरीका यही है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, सबसे आसान तरीका है पॉइंट निकाल लो बस दो, आपको यही तो लंबा, बस यही तो एक लंबा लगा होगा ये, बाकी सब तो आसान था। ना हाँ ये भी सही, हाँ एक बात और सही कह रहा है, सही कह रहा है, हाँ 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 नहीं नहीं सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, रुको एक एक और तरीका देख लो, एक और तरीका बताया बच्चों ने, अच्छा है ये, रब कर रहा हूं, नोट करना है क्या इसको, समझ गए ना बात ये? हमारे पास ये तो समझ में आ गया कि डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है भाई, ये कोऑर्डिनेट कितने आए 18 का माइनस 13, अच्छा ये जो माइनस 13 वो ये लेंथ होगी ना, समझे? अच्छा अब ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट आया था 2/3,0 और ये कितना आया था, अच्छा ये लेंथ कितनी होगी निकाल सकते हो आप, 5 - 2/3, तो ये कितनी होगी 5 से 15 - 2 13/3, ये तो होगी भाई, यहां से यहां तक 5 है और यहां से यहां तक 2/3 है, तो घटा लो 5 में से 2/3, अब ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, एरिया हो गया हाफ, 13 × 13/3 तो 169/6, अरे समझे भाई, ये भी कर सकते हो आप, ओके बहुत चीजें हो सकती है जो अच्छा लगे, लेकिन जल्दी होना चाहिए, ठीक है ना? हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, नहीं देखो ऐसा है ना, जैसे मैं ट्रायंगल की बात करता हूं, ये ट्रायंगल है ठीक है, अब इसका एरिया निकालना, तो अगर ये मुझे बेस मिल जाए और ये हाइट मिल जाए तो एरिया नहीं हो जाएगा, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट 18, -13 है, ये डिस्टेंस 13 नहीं हो जाएगी, वाई कोऑर्डिनेट वाली डिस्टेंस, ये हाइट हो गई, और अगर ये डिस्टेंस निकल जाए मेरे पास, ये 2/3,0 है, 2/3 मतलब एक्स से दूरी 2/3, और ये 5, मतलब ये दूरी 5, तो घटाओगे 5 - 2/3 तो ये आ जाएगा, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, बोलो ठीक है, क्लियर है बात ये? अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, फाइंड एरिया बिटवीन 2x + y - y + 3 = 0, 4x - 2y + 5 = 0, एंड एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने सारे दे दिए इस बार, वाई एक्सेस भी हो एक्स एक्सेस भी हो दोनों लाइन भी हो, बताओ एरिया, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, देखते कितने लोग समझ पाते हैं इस बात, कोई शॉर्टकट है इसमें एक, तो, हाँ लाइन पैरेलल है, देखो अब लॉजिक समझना, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, एक्स होगा नेगेटिव, वाई होगा पॉजिटिव,
मतलब कि ऐसा कोई डायग्राम होगा, ये डायग्राम होगा, ये इसका और एक इसका होगा, तो आपको ये एरिया पूछा हुआ है, नहीं समझे भाई? बोला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और दो लाइन, दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है। अब बहुत आसान सी बात है, आप क्या करोगे, ये जो लाइन है 2x माइनस वाई इज इक्वल माइनस थ्री, बल्कि काम करो 2x माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल जीरो। मैंने आपको बताया था फॉर्मुला सी स्क्वायर बाई टू ए बी, याद है कुछ? इसका एरिया कितना होगा 9/4, है ना, और इसका एरिया कितना होगा 25/8 16, है ना। ये देखो ध्यान देना, ये तो हो गया 9/4 एरिया ये, और 25/16 पूरा ये, घटा लोगे तो क्या आएगा, बस -9/4 आंसर हो गया, 16 25 -36 11/16 पॉजिटिव लिखना है बस, अरे समझे। तो ये भी ध्यान रखना, अगर पैरेलल लाइन तो बहुत आसान है, अगर पैरेलल लाइन हो गया तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, आपको सीधे वो फॉर्मुला सी स्क्वायर बाई ए बी टू ए बी याद रखना है, बताया था फॉर्मुला भी उससे पहले का, क्योंकि पैरेलल थी लाइन है। और कैसे पता लगा पैरेलल है, ये 2x और 2y इनका स्लोप और इनका स्लोप बराबर है, स्लोप क्या बताया था, x कोफिशिएंट अपन y कोफिशिएंट, याद आया। और अगर कहीं ये पैरेलल ना होती तो कैसे करते, रब करूं, देखो यार अगर पैरेलल ना भी होती तो भी यही तरीका चलता है, रब कर दूं, अगर होती 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल जीरो, एक्स माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल जीरो। अब आपको समझना क्या होगा, पहले डायग्राम समझ लो इस क्वेश्चन का क्या होगा। देखो यहां से बनेगा 3x प्लस 4y इज इक्वल माइनस 4, एक्स बाई माइनस 4/3 प्लस वाई बाई माइनस 4 इज इक्वल 1, और यहां पर होगा x माइनस 2y इज इक्वल माइनस 5, एक्स अपॉन माइनस 5 प्लस वाई बाई 5/2 इज इक्वल जीरो 1। इसका मतलब ये जो डायग्राम है ये कहां पर है, दोनों नेगेटिव है, ये डायग्राम कुछ ऐसा है, ठीक है, और ये डायग्राम क्या है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, ये कुछ डायग्राम ऐसा होगा ये। तो आपको पूछा हुआ है ये एरिया और ये एरिया, तो आपको देखना पड़ेगा कि डायग्राम वन साइड है या टू साइड है, समझो बात, क्योंकि ये टू साइडेड एरिया है। आप इसका एरिया निकालोगे वही सी स्क्वायर बाई टू ए बी से, इसका एरिया निकालोगे सी स्क्वायर बाई टू, दोनों को जोड़ दोगे, अब जुड़ेंगे ये, समझो बात, क्योंकि दोनों अलग अलग। और एक बात ध्यान रखना, यहां पर गड़बड़ आप लोगों से क्या हो जाएगी, मान लेते हैं ये एरिया आपका आ जाता है, चलो गड़बड़ नहीं होगी, खैर पॉजिटिव लेना होगा, ये एरिया पॉजिटिव लेंगे आप, है ना, दोनों जोड़ देंगे। अगर ये डायग्राम कुछ ऐसा बनता, अगर यहां पर भी माइनस होता तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता, मतलब तो पैरेलल नहीं होते, माना ऐसे और ऐसे बनते, तब आपको क्या करना होता, ये निकालते एरिया और ये निकाल के घटा देते। आपको देखना पड़ेगा कि दोनों सेम साइड है या डिफरेंट साइड है, अगर सेम साइड है तो भी घटाना पड़ेगा, और अगर डिफरेंट साइड है तो क्या करना, जोड़ना पड़ेगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, कंडीशन बेस्ड है, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो ये एरिया हो जाएगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आपको डायग्राम बना के देखना पड़ेगा कि क्या होगा, ओके, आगे बढ़े। अब आता है ग्राफ क्वेश्चन, देखो भाई एक ग्राफ दे रहा हूं, देखते हैं बताओ इसका डायग्राम कौन बना सकता है, मॉड एक्स प्लस वाई इज इक्वल वन, कोई बताएगा इसका एरिया विद एक्स एक्सिस एंड वाई और वाई एक्सिस, एरिया ऑफ दिस ग्राफ विद एक्स एक्सिस सावधानी हटी, वन होगा। देखो ध्यान रखना, जब भी मॉड आ जाए तो मॉड को कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं प्लस, मॉड हटाओ प्लस माइनस लिख दो, ये तरीका होता है, जब भी मॉड आए प्लस माइनस लिखना होता है। इसका मतलब ये हो गया प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल वन और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल वन, अरे समझे, बोलो मॉड का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये करना होगा, फिर आप क्या करोगे, एक्स प्लस वाई वन ये हो गया, ये वन ये वन, अरे समझे, दूसरी क्वेश्चन माइनस एक्स तो ये हो गया माइनस वन और वन, अब ये आपको एरिया निकालना है पूरा, समझे, ये लेंथ हो गई टू, वन इधर वन इधर, और ये लेंथ हो गई वन, तो एरिया हो गया हाफ टू इंटू वन, आंसर वन, अरे समझे। ग्राफ के क्वेश्चन ऐसे चलते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसा होता मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू, बताओ एरिया क्या होगा, नहीं भाई इतना जल्दी मत करो भाई,
नहीं भाई, 8 होगा टोटल, 4 डायग्राम बनेंगे। तो जब भी मॉड आए ना तो उसको आपको ये करना, प्लस माइनस लिख देना है। ये पहला वाला नोट हो गया, पहला वाला। अगर आपके पास होता मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा देखो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू, इक्वेशन बनेगी 4 एक्स प्लस वाई टू माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू। अब डायग्राम कैसे होगा देखना जरा। पहली कंडीशन ये टू, ये टू, अरे समझे। दूसरी कंडीशन x का माइनस है, y का पॉजिटिव है, ये माइनस टू। सेकेंड कंडीशन x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये बनेगा। और थर्ड कंडीशन दोनों नेगेटिव, तो ये स्क्वायर नहीं बन गया। अच्छा, ऐसे 4 पार्ट बन गए। ये इसका एरिया हो गया हाफ, 2 × 2, इसका एरिया हो गया 2, इस वाले का एरिया हो गया 2, और ऐसे कितने 4, आंसर 8 हो गया। तो मॉड कोई टफ नहीं होता है, बस समझने की बात होती है। एक लास्ट कौन सा बता रहा हूं, ये नोट कर लीजिए। इन इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, रब कर दूं। देखो भाई, अगर मैं कहता हूं, अच्छा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैच द फॉलोइंग का, देखते कौन कर पाता है। ए 3x बराबर वाई, बी x बराबर 3y, सी x 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, डी 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल 0। 1, 2, ना तो तुम लोगों के लिए यार, एकदम अधीर हो जाते हो। बताओ मैच द फॉलोइंग। अच्छा देखो, पहली बात, दो इंपॉर्टेंट कंडीशन समझ लो। अगर किसी इक्वेशन में x और y हो, इसका मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब मूल बिंदु से जा रही है। अगर किसी इक्वेशन में x और y हो, कांस्टेंट टर्म ना हो, इसका मतलब ओरिजिन से जाएगी। तो ये देखो, पहली a और b ओरिजिन जाने वाली कंडीशन, मतलब या तो 3 होगी या 4 होगी, अरे समझे। अगर किसी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब सी वाई इंटरसेप्ट है ही नहीं, इसका मतलब ओरिजिन पे 0 है, वो ओरिजिन जा रही है। अच्छा देखो, यहां से स्लोप है 3, यहां पर स्लोप है 1/3, ध्यान देना कैसे हम अप्रोच लगाएंगे। 3 मतलब, अच्छा 10/45 होता है 1, ये 1 से बहुत ज्यादा है, √3 से ज्यादा, मतलब 60 से एंगल ज्यादा होगा। ये आंसर होगा इसका, फर्स्ट का हो गया ये, अरे समझे भाई, लॉजिकल समझना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसका एंगल है y बराबर 1/3x, यहां पर स्लोप 1/3 है, मतलब 1 से छोटा, मतलब 45 से छोटा एंगल होगा इसका, तो इसका आंसर होगा ये, इसका मतलब सेकंड का हो गया 4। अरे समझ आया कैसे मैच करते हैं, मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मैच द फॉलोइंग, अब आपको एक एक आगे लिखना पड़ेगा। अच्छा 3x, ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहां पर वाई हो गया 3x माइनस 2, मतलब वाई इंटरसेप्ट क्या है माइनस, मतलब सी का हो गया 1, और यहां पर क्या है वाई इंटरसेप्ट प्लस है, मतलब ये वाला हो गया, तो फोर्थ का हो गया सेकंड, अरे समझे, ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। हो गया, चलो आगे बढ़े।
ड्रॉप कर दूं उसको, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन को, नंबर वन एक्स इज इक्वल ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस अगर एक्स हो, सेकंड वाई इज इक्वल ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस ऐसे देख के बता सकते हो आप, थर्ड ए एक्स इज इक्वल बी वाई लाइन पासिंग थ्रू थ्रू ओरिजिन, ये तीन कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, बाकी तो आप स्लोप इंटरसेप्ट देख लोगे। अच्छा अब लिखो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, इनइक्वालिटीज इनइक्वेशंस, मतलब ये कि अगर किसी इक्वेशन में एक्स और वाई हो खाली तो वो ओरिजिन से पास होगी, ड्रॉप कर दूं। अब आता है इनइक्वेशन सॉल्व करने, जैसे क्वेश्चन हो 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 2, आपको ये कैसे ग्राफ बनेगा इसका, आसान सी बात है, बहुत सिंपल लॉजिक समझना, मान लेते हैं यहां पे 6 है आसान करने के लिए, ठीक है आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे देखो, पहली बात इनइक्वालिटी साइन हटाओ, 3x प्लस वाई इज इक्वल 6 मान लो, ठीक है, अब उसके बाद इसको x बाई 2 प्लस वाई बाई 6 इज इक्वल 1 होगा, समझो बात, ये x पर 2 डिस्टेंस और y पर 6 डिस्टेंस, ये ज्वाइन कर लो, अरे समझे भाई, आपने अगर कोई भी इनइक्वेशन दे रखी है ऐसे करना है, अच्छा उसके बाद जो आपकी इनइक्वेशन दे रखी है 3x प्लस y ग्रेटर देन 6, आप x का मान 0 रखो y का मान 0 रखो, मतलब हम मूल बिंदु रख रहे हैं इस पर, ओरिजिन रख के देख रहे हैं, 0 इज ग्रेटर देन 6, ट्रू फॉल्स, फॉल्स है ये, 0 6 से बड़ा होगा, अब जो ये इनइक्वालिटी होती है, जैसे हम कहते हैं अगर ये होता 3x, अगर ये होता 3x प्लस y इज इक्वल 6 तो ये लाइन हो गई आपकी, लेकिन अगर इनइक्वेशन है इसका मतलब, अगर मैं बोलता हूं 3x प्लस y इज इक्वल 6 इसका मतलब सेट ऑफ पॉइंट लाई ऑन द लाइन, लेकिन अगर इनइक्वालिटी है इसमें इसका एरिया आएगा, इसका एरिया फिक्स्ड हो जाएगा, या तो ये इधर होगा या इधर होगा, अच्छा मैंने ओरिजिन पुट किया फॉल्स आ रहा है, मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ओरिजिन को छोड़ के होगा, मतलब ये एरिया हो गया इसका, इसका ग्राफ ऐसा होगा, समझे भाई, अगर ये ट्रू आता तो ये इधर ग्राफ बनता, तो लाइन क्या, तो इधर बनेगा इधर बनेगा, डिपेंड करता है ओरिजिन, उस पर ट्रू आ रहा है तो ओरिजिन की तरफ बनेगा, फॉल्स आ रहा है तो ओरिजिन के विपरीत बनेगा, समझे, ये आखिरी कॉन्सेप्ट था।